दुनिया भर में जिस तेजी से ऑटोमोबाइल सेक्टर का विकास हो रहा है, उसी क्रम में अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के तमाम संसाधन, खासकर ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की जरूरत भारत में महसूस की जा रही थी। और इंदौर, खासकर पीथमपुर जो है, अब ऑटो टेस्टिंग का हब बनकर उभरा है, जहां दुनिया भर की हाई स्पीड सुपर कार अब रफ्तार पकड़ रही हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के हेड डॉक्टर करियप्पा साहब, उनसे जानेंगे कि ये जो ट्रैक है साहब, ये वर्ल्ड लेवल पर किस क्या पैमाने इसके हैं, और अभी जो है हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पीड टेस्टिंग को लेकर कहाँ टिक पाते हैं। देखिए, आपने सही कहा कि ये जो ट्रैक है एशिया में सबसे लंबा ट्रैक माना जाएगा, और ये इसलिए बनाए हैं, जैसे आप जानते हैं कि आजकल हाई स्पीड परफॉर्मेंस कार्स लॉन्च हो गई है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती थी। तो अभी हमारे पास ये 11.3 किलोमीटर्स का ओवल सर्क्यूट या कंटिन्यूस सर्क्यूट जो बनी है, आप जो देख रहे हैं, जो शानदार बनी है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो भी हाई परफॉर्मेंस कार्स की टेस्टिंग जो है हम अपनी देश में ही कर सकते हैं। जो पहले विदेश जाना पड़ता था तो उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं। और इतना ही नहीं कि विदेश से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गाड़ियां जो हैं हमारे पास आएंगे, क्योंकि क्या है, जैसे एशिया में आप देखेंगे ये सबसे लंबा ट्रैक है, तो हम चाहते हैं या हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि विदेश से भी, जैसे एशियन कंट्रीज है और इवन यूरोपियन कंट्रीज है, जहाँ पे जैसे विंटर सेशन में उनका ट्रैक्स में इतना यूटिलाइजेशन नहीं होता है, शायद उस वक्त यूरोप मार्केट से भी हमारे देश में टेस्टिंग के लिए हम इंतज़ार करते हैं। सर, यहाँ जो ट्रैक है, ट्रैक पर स्पीड को लेकर क्या कहना है कि कितनी स्पीड में गाड़ियाँ चल सकती हैं, किस लेवल की स्पीड तक की जांच अभी तक यहाँ हो चुकी है? देखिए, ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम न्यूट्रल स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर्स पर आवर के लिए ये डिज़ाइन की गई है। इसका मतलब है कि एक कर्व में भी 250 किलोमीटर्स पर आवर पे हाथ छोड़ के आप चला सकते हैं, और जो कंट्रोल ऑन स्टीयरिंग के साथ यू कैन ड्राइव अप टू 350 एंड मोर एंड ऑल दैट। जैसे कर्व से निकलते हैं, समझो कि 350 किलोमीटर्स पर आवर रफ्तार के साथ गाड़ी निकलती है, आप समझ सकते हैं कि कितना मैक्स स्पीड पहुंच सकता है जब हमारा स्ट्रेट पोर्शन है, 2 किलोमीटर्स का लंबा ट्रैक बनी है। तो ये जो है, मतलब जो अभी तक गाड़ी की डिज़ाइन नहीं हुई है, तो या आगे जो डिज़ाइन होने वाली है जो हाई परफॉर्मेंस, उसकी भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। सर, वर्ल्ड लेवल की कौन कौन सी कारों की टेस्टिंग अभी फ़िलहाल हो चुकी है और कितनी पाइपलाइन में है सर? देखिए, जैसे लंबोर्गिनी का उस दिन टेस्ट किए थे तो 308 किलोमीटर प्रति घंटे हुई है, तो अभी कुछ मर्सिडीज बेंज का भी गाड़ी टेस्ट हुई है, वो 318 तक टेस्ट हुई है। तो वैसे ही हम समझते हैं कि जो गाड़ियों की जो स्पीड है 330 तक भी है, तो उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। सर, इसमें जो है ऑटो टेस्टिंग ट्रैक में किस तरह के पैमाने होते हैं, खासकर इसको निर्माण को लेकर, इसका जो पूरा विस्तार है कितना फैला हुआ है और इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है सर? देखिए, जैसे कि ये प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश 3000 एकड़ लैंड दिया है, वो इसीलिए दिया है कि ताकि हम इतने लंबा हाई स्पीड ट्रैक बना सकते हैं, क्योंकि जितना लंबा स्ट्रेट पोर्शन का लंबाई होता है तो उतना आप जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है हम एक्यूरेटली और रिपीटेबली हम कर सकते हैं। सर, अभी किन किन देशों में ने, खासकर हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल जो विकसित हो रहा है भारत, और जो अन्य विकसित देश हैं, खासकर इटली हैं, फ्रांस है, और जो दूसरे देश हैं, किन किन देशों ने यहाँ पर टेस्टिंग की इच्छा जताई है अभी, और भारत सरकार का क्या अभी रुख है इसको लेकर, क्योंकि अभी लगातार प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इसका उद्घाटन किया, और किस तरह का अब साझा प्रयास भारत का इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेक्टर से होने जा रहा है? देखिए, अभी हमारे देश में मल्टीनेशनल्स बहुत कंपनीज हैं, हाँ, जैसे रेनो निसान हो गया, स्कोडा, वोल्सवैगन हो गया है, एंड ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं अभी जो प्रोडक्ट हमारे देश के लिए जो लॉन्च करेंगे वो हमारे देश में ही
टेस्ट करेंगे, है ना। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यूरोप में जब उनको जो विंटर सीजन में यदि उनको उधर टेस्ट नहीं कर पाते हैं और इतने लंबा बढ़िया ट्रैक देख के वो हम आशा करते हैं, अनुमान करते हैं, तो वो लोग भी इधर आएंगे। सर इसके लिए पीथमपुरी क्यों चुना गया खासकर, क्योंकि अच्छा सवाल है। जैसे कि ये पीथमपुर जो है देश की हार्ट ऑफ द इन द सेंस दैट सेंट्रल पार्ट ऑफ द, दोबारा बताऊं, दोबारा पूछे, पीथमपुर को लेकर सर माना जाता था कि ये देश के हृदय क्षेत्र में और खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब है, इसको लेकर यहाँ कितनी जरूरत महसूस की जा रही थी। देखिए ये जो लोकेशन है पीथमपुर, इंडिया का सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट में जो लोकेट हुआ है, तो इसका एडवांटेज ये है देश भर में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब इधर आएँ। और इसका खासियत ये है जो डेवलपमेंट टेस्टिंग है इसके मुताबिक ये हमारे 14 ट्रैक्स जो बनी है तो इसके लिए बनी है ताकि प्रोडक्ट जो है लॉन्च होने के पहले उसकी सेफ्टी हो, सेफ्टी फीचर्स हो, परफॉर्मेंस फीचर्स हो, ड्यूरेबिलिटी फीचर्स हो, सब के सब टेस्ट करके वैलिडेट करके तो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर्स अपने इन द सेंस देश में लॉन्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक है ये कर्व में है और ये कर्व जो है, कर्व का कारण यही है कि जितनी स्पीड में गाड़ी होगी कर्व उतना अधिक होगा। और ये सर इसमें जो इसका जो पैमाना होता है खासकर इसको बनाने का, कर्विंग का, ट्रैक का, ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होता है सर इसमें? देखिए ये प्रूविंग ग्राउंड का अपना स्टैंडर्ड होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ ये कर्व क्यों दिया जाता है। जैसे ये कर्व, ये जो बैंकिंग नहीं होने से क्या होता है कि जब कर्व में जाते हैं गाड़ी जो है बाहर की तरफ टॉपल होगा, लेकिन ये बैंकिंग होने से क्या होता है कि जैसे गाड़ी की कुछ वेट की जो कंपोनेंट है वो इस तरफ काउंटर करेगा ताकि गाड़ी जो है स्टेबल रहेगा। कहने का मतलब ये है आप कर्व में चलाते हैं फिर भी आपको लगेगा आप जब स्ट्रेट जा रहे हैं, तो ये इसका खासियत है। अभी सर यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियों की टेस्टिंग चल रही है, किन किन गाड़ियों की टेस्टिंग सर अभी हो रही है? जैसे कि आप हमारे लोकल नेबर है वोल्वो आइशर, तो इनकी गाड़ी की टेस्टिंग होती है। तो इसके अलावा जो टायर कंपनीज है जैसे कि सीएट की बात करें या अपोलो बात करें, जेके बात करें, ये सब लोग हमारी ट्रैक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा जैसे महिंद्रा कंपनी है, तो ये सारे लोग जो हैं अभी फ़िलहाल टेस्टिंग कर रहे हैं। सर आपने, आपको नेशनल लेवल का खासकर इंटरनेशनल का ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का अनुभव है, जब आपने इसको अपना लाइफ का जुनून बनाया, जब शुरुआत हुई तो आपने कहा था कि इस असंभव को भी संभव करेंगे और नतीजा साफ दिखता है, तो सर कितने साल लगे आपको और किस तरह के प्रयास करने पड़े खासकर इस ट्रैक पर इतनी इसको माइलस्टोन बनाने के लिए? देखिए 2010 में हमने जैसे बोलते हैं ना फाउंडेशन स्टोन ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग, तो 2010 में हमने ये प्रोजेक्ट का निर्माण का शुरुआत की थी। तो उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यू, दो साल तक चली, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज हो रही थी। उसके बाद हमें टेंडर जो है दोबारा फ्लोट करना पड़ा। तो जब फ्लोट किया फिर 2014 में तो सारे टेस्ट ट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक छोड़ के तो 3 साल में बन गई है। 2014 से लेकर 2017 तक ये सारे ट्रैक्स जो 14 ट्रैक में हाई स्पीड ट्रैक छोड़ के 13 ट्रैक्स के निर्माण हो चुकी है। और जनवरी 2018 में ये सारे ट्रैक्स का उद्घाटन भी हुई है। माननीय MOS श्री बाबुल सुप्रियो साहब 28 जनवरी 2018 में उद्घाटन हुई है। और उसके बाद जो है कि 2017 में तो हमने ये हाई स्पीड ट्रैक का निर्माण का भी काम शुरू किया है। अभी शुरू करते 3 साल में 2020 में ये हाई स्पीड ट्रैक का निर्माण भी पूरा हुआ है। और लेकिन क्या है कि हमारे पास माधोपुरा विलेज है, उनका रिहैबिलिटेशन के ऊपर वहाँ पे कोर्ट पे भी पिटीशन डाले थे,
तो उनको रिजॉल्व करते करते एक साल लग गया है। तो 2021 पे अभी आप जानते हैं 29 जून 2021 में माननीय प्रकाश जावड़ेकर साहब के हाथों से ये इसकी इनॉग्रेशन भी हुई है। अभी सर ये टेस्टिंग चल रही है, कोई क्या किस तरह का ये लोग देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां होती हैं खासकर टेस्टिंग को लेकर? नहीं देखिए, जैसे कि ये लोग अभी हाई एंड स्पोर्ट्स का मर्सिडीज बेंज की टेस्टिंग ये लोग कर रहे हैं ताकि उसकी पूरी परफॉर्मेंस, जैसे कि 0 to 300 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम पे अचीव कर पाते हैं, तो ये सब की टेस्टिंग ये लोग कर रहे हैं। ये थे डॉक्टर करियप्पा जो बता रहे हैं कि ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के कारण जो है भारत अब न केवल इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेक्टर में बल्कि दुनिया में जो अत्याधुनिक सुपर कारें बन रही हैं उनकी गति के साथ कदम ताल करने को तैयार है। यही वजह है कि आज पूरी शिद्दत के साथ दुनिया भर के तमाम देश यहाँ अपनी अपनी कारें और द्रुत गति से तेज चलने वाली कारों की टेस्टिंग करने यहाँ आ रहे हैं। धार के पीथमपुर स्थित ऑटो टेस्टिंग ट्रैक से सिद्धार्थ माछीवाल, ETV भारत के लिए।